नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। नए थाने रविवार को मोहम्मद सफदर अली ने कमान संभाला है। नए थानाध्यक्ष को निवर्तमान थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने फूलमाला एवं बुके देकर स्वागत किया। इस अवसर पर पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार राव, असगर अली, अशोक शाह सहित क्षेत्र के अन्य लोग मौजूद थे। थानाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद नए थानाध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखनी पहली प्राथमिकता होगी। क्षेत्र के लोगों को बेहतर पुलिसिंग के साथ न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाए। R9 भारत के लिए दीपक कुमार की रिपोर्ट, बांका, बिहार से। मोतिहारी के एक दरोगा के घूस लेने का वीडियो हुआ वायरल। सरेआम वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक से गाड़ी छोड़ने के एवज में वे रिश्वत ले रहे थे। नगर थाने में पदस्थापित हैं दरोगा जय नारायण राव। वीडियो वायरल होने के बाद मोतिहारी SP नवीन चंद्र झा ने त्वरित कार्रवाई की है। दरोगा सहित ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया है। गाड़ी चालक होमगार्ड का जवान है, जिसे 2 साल तक अब तक कहीं ड्यूटी पर तैनात नहीं किया गया। मोतिहारी शहर के गांजा गदी चौक पर वाहन चेकिंग के समय लोगों से गाड़ी छोड़ने के एवज में वह ले रहा था रिश्वत। R9 भारत के लिए रत्नेश कुमार की रिपोर्ट। यूं तो सोशल मीडिया पर रोज कोई ना कोई वीडियो वायरल होता है, रोज कोई स्टार बनता है तो कोई नया ट्रेंड लेकर बाजार में आता है। आज हम बात कर रहे हैं भोजपुर जिला के आरा का, जहां एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि ये वायरल वीडियो आरा नगर निगम के कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। इस वायरल वीडियो में जहां एक तरफ बोर्ड दिखाई दे रहा है सरकारी गड्ढे का, तो दूसरी इस गड्ढे में गिरती एक महिला की तस्वीर भी काफी तेजी से वायरल हो रही है। आपको बताते चलें कि ये वायरल वीडियो जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि ये आरा का वीडियो है। आपको बताते चलें कि वीडियो शेयर करने के दौरान बताया गया कि ये वीडियो आरा के पास इलाके बाबू बाजार का है, जहां सड़क के किनारे एक गड्ढा खोदा गया, जिस पर सरकारी गड्ढे का बोर्ड भी लगाया गया। हालांकि इन दिनों लगातार हो रही बारिश की वजह से गड्ढे में पानी भर गया है और सड़कों पर पानी लगने से गड्ढे का अंदाजा लगाना नामुमकिन साबित हो रहा है। ये गड्ढा इतना खतरनाक साबित हो रहा है कि आए दिन कोई न कोई इस गड्ढे में गिर जाता है, जिससे अगले व्यक्ति को गंभीर चोटें आती हैं। स्थानीय लोगों की माने तो उनके द्वारा कई बार वार्ड पर्षद से शिकायत भी की गई है, बावजूद इसके इस गड्ढे को ना ही भरा गया है और ना ही इस गड्ढे को ढका गया। वहीं बरसात के पहले जहां देश भर की नगर निगम सभी गड्ढे को ढकने का काम करती है, तो वहीं आरा के नगर निगम द्वारा ऐसी लापरवाही नगर निगम की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर देती है। इस वायरल वीडियो को देखा गया, पहले एक महिला इस गड्ढे में गिरती है, जिसके बाद आनन फानन में आसपास के लोगों द्वारा उस महिला को गड्ढे से निकाला जाता है और जैसे ही वह महिला वहां से जाती है, थोड़ी देर बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस गड्ढे में गिर जाते हैं। इस वायरल वीडियो पर स्थानीय लोगों ने कमेंट करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इस गड्ढे को बंद नहीं किया गया तो आने वाले समय में कई लोग इस गड्ढे से जख्मी हो जाएंगे। जब वीडियो के वायरल होने के बाद मीडिया टीम वायरल वीडियो के साथ स्थान पर पहुंची, प्रक्रिया जानना चाहा तो स्थानीय लोगों ने बताया कि नल जल योजना के लिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन लगभग 10 दिन से ज्यादा समय से ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जिसके बाद लगातार लोग गड्ढे में गिरने लगे। बार बार संबंधित लोगों से शिकायत के बाद भी कोई निवारण नहीं होने की स्थिति में लोगों ने गड्ढे पर बोर्ड लगा दिया, इससे इस गड्ढे का नाम सरकारी गड्ढा बन गया है। वहीं जब हमने वार्ड 20 के प्रतिनिधि से बात की तो उन्होंने बताया कि लगातार सरकारी बाबुओं से शिकायत के बाद भी इस गड्ढे को नहीं भरा गया। वहीं वार्ड प्रतिनिधि ने बताया कि जल्द अगर इसका निवारण नहीं होता तो हम लोग सड़क जाम कर उग्र आंदोलन करेंगे। तो इस समस्या के निराकरण के लिए कैसे देखते हैं? यह समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है, खास करके वार्ड नंबर 20 का बाबू बाजार डॉक्टर बीबी ओझाल गली के जो मुंह पर है। इसके लिए जैसे ही हमारे संज्ञान में आया कि गैस बिछाने के क्रम में पाइपलाइन क्रम में वहां लीकेज कर गया है, हम लगातार नगर निगम का ध्यान इस पर दिलाते रहे, लिखित सूचना दिए, वहाँ के जो बाबू लोग हैं उन लोगों से भी मिलते रहे। बहुत बार मैंने ये कह के टाल दिया जाता है कि अभी आज भी नहीं है तो मशीन खराब है तो जीसी भी नहीं है। बहुत मैंने एक महीना से कहने के बाद एक हफ्ता करीब पहले निगम से कुछ कर्मचारी लोग आए उसको मरम्मत करने के लिए, उसके बाद गड्ढा कोने लीकेज नहीं मिला, फिर उसको ऐसी अवस्था में छोड़ के चल गए। वो फिर मैंने पुनः गया जो दीपक जी जलल के प्रभारी है उनसे संपर्क किए कि दीपक बाबू बहुत खतरनाक स्थिति हो गया है, कभी कोई हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि भैया हम क्या करें, तो हम मशीन मांगते हैं तो हमारा मिलते नहीं है। मेयर के पास गए, वहां जाकर के हमने अपनी बात रखा कि मेयर साहब बहुत स्थिति खराब है और उसका वीडियो भी हम देखाएं लीकेज,
वहाँ पानी किस तरह से फेंक रहा है, क्या स्थिति है। उन्होंने दीपक को बुलाया, दीपक मेयर साहब के सामने ही बोल रहे हैं कि हम क्या करें, आप हमारे यहाँ साधन कई बार प्रेम मिश्रा से मांगे, प्रेम मिश्रा हमको गाड़ी नहीं दिए ताकि हम उसको मरम्मत करा सकें। प्रेम मिश्रा जी कहे कि ठीक है हम गाड़ी आपको कल उपलब्ध करा देंगे, ये करीब 4 रोज पहले की बात है। फिर उसके बाद इधर दीपक के पास गए तो बोले कि भैया जो मशीन है छोटा वाला उसे हम लोग खोल रहे थे, वहाँ लीकेज नहीं मिल रहा है, वो रात का काम होगा, अभी धरहरा में हम काम करा रहे हैं, बहुत धरहरा में स्थिति है, SDO साहब का आदेश है। हम कहे कि SDO साहब का आदेश क्या बाबू बाजार में नहीं लग सकता है, इसके लिए क्या हमको मैंने आंदोलन करना पड़ेगा कि अपन बनवाइएगा, इतना भी अकाल परसों आपका बना देंगे। मशीन काम नहीं किया, अब हुआ कि JCB आएगा उसको खोलने के लिए और रात में होगा, परसों दिन की बात है। हम कहे ठीक है JCB जाएगा आपका तो JCB बोले के करा लीजिए, JCB का पता चला कि JCB खराब है इसलिए हम लोग JCB नहीं उपलब्ध हो गया। और इधर बारिश हो गई, आज भी हमने वीडियो देखा है, बहुत सारे लोगों का स्वाभाविक है दर्द होना, और हम भी जनता के साथ है, वह किसी की माँ बहन हमारी भी माँ बहन है, कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकती है, हम अपना पीड़ा सबको बता चुके हैं। और रह गया कि अपने हैंड से तो कुछ करना नहीं रहता, अगर हम तो इतना दर्द है कि अगर हमारे कुदाल चलाने से लीकेज बंद हो जाता है तो हम अपना श्रम योगदान देने के लिए भी तैयार हैं। अब रह गई बात कि हम दुखद होकर के दुखी होकर के हमने निर्णय लिया कि कल, आज दीपक से बात किया, हम मेयर का पोस्ट किया है, सबको पोस्ट किया है, SDO साहब को व्हाट्सएप पर भी पोस्ट कर चुके हैं, और जितने भी हम लोग को लगा कि यह करना उचित होगा, और एक हमारे बिटिया भाई भी आप लोग आ ही गए हैं, आप लोग के माध्यम से भी हम बोल रहे हैं कि कल अगर लीकेज का काम बंद करने का नहीं लोग करता है तो हम पब्लिक के साथ वहाँ रोड जाम करेंगे या धरना प्रदर्शन, जो भी अपना आक्रोश झेलना होगा हम लोग झेलेंगे। इसके लिए अब दूसरा उपाय हमारे पास कुछ नहीं रह गया है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यही अपना मैन पावर है, पब्लिक के साथ है और पब्लिक के साथ जीना है और पब्लिक के साथ मरना है। तो आए दिन इस घटी से क्या समस्या होती है आपको? समस्या का कारण मूल कारण तो गड्ढा ही है। आप ये सोचिए कि शहर में एक रोड है, छोटा सा रोड है, और उससे एक बड़ा सा सरकारी गड्ढा नगर निगम के माध्यम से जो किसी कार्यवश कोड़ा गया और समय पे कार्य पूरा नहीं हुआ, और इस गड्ढे में बरसात की वजह से पानी जम जाता है, लोगों को दिखाई नहीं देता है, और आए दिन लोग इसमें गिरते हैं, पैर हाथ टूट जाता है, जख्मी होते हैं, इंजर्ड होते हैं, और इसको देखने वाला समझने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। क्या आपने इस गड्ढे को लेकर कई बार कभी कंप्लेन किया है? इस गड्ढे को लेकर कई बार कंप्लेन किया गया है, मगर यहाँ की सरकारी व्यवस्थाएं जो है वो लचर स्थिति में है ऐसा लग रहा है, और कोई रास्ता ना देखकर हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा सरकारी गड्ढा, कि शायद इससे लोगों को नजर आए यहाँ पे एक सरकारी गड्ढा है और इसे अविलंब भरने का कार्य करे। ये गड्ढा किस लिए बनाया गया था? ये गड्ढा अभी जो शहर में जल नल योजना चल रही है उसी का पाइपलाइन ये गया है, और वहीं से ये पानी, ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये इसी गड्ढे से पानी निकल रहा है, और इसी पानी को बंद करने के लिए ये सरकारी गड्ढा खोदा गया है। तो ना ही पानी बंद हुआ है और ना ही गड्ढा भरा। रोज वीडियो वायरल हो रहा है यहाँ का, कभी महिला इस गड्ढे में गिर रही है, कभी कोई वृद्ध व्यक्ति गिर रहे हैं। अगर जल्द से जल्द इसका निवारण नहीं किया जाए तो स्थानीय लोगों द्वारा आगे क्या करने का सोचा गया? अगर जल्द से जल्द इसका निर्वहन नहीं हुआ तो स्थानीय लोगों द्वारा इस वापिस गड्ढे को ऐसे ही भर दिया जाएगा, ताकि बने या ना बने कोई जख्मी ना हो, कोई इंजर्ड ना हो। सरकारी व्यवस्थाएं के लिए गुहार लगाया गया है, कहा गया है, हमारे माननीय सांसद हैं, विधायक हैं, अभी तो कैबिनेट में हमारे मंत्री भी बने माननीय RK सिंह जी, मगर उनके नजर में भी आरा का विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। अपेक्षाएं जो हमारी थी उनसे वो अपेक्षाओं पे पूरा नहीं उतरे, खरा नहीं उतरे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक गुप्ता। शहर में सरकारी गड्ढा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकारी गड्ढा के विषय में यही कहना चाहेंगे कि जो नगर निगम जो एक बार गड्ढा खोद देता है तो उसको बंद करने में और गड्ढा ज्यादा खोद देता है, उसको बंद नहीं करता, और लोग उसमें आए दिन गिरते हैं, प्रतिदिन गिरते हैं, घायल होते हैं, औरत गिरती हैं, बच्चे गिरते हैं, ये सब सारी समस्या है। समस्याएं और क्या है इस रोड पे? इस रोड पे ये समस्या है कि सबसे पहले तो इस रोड में पानी लगता है और उसके चलते सारा सड़क जो है खराब हो चुका है और आए दिन जाम लगा रहता है। दूसरा समस्या ये है कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है जो कि रोड के बीचों बीच है, जो आए दिन ये जाम में जो है और काम करता है, और पानी बरसने के बाद ये नंगे तार जो है ये और भी खतरनाक हो जाते हैं। आप
किससे उपेक्षा रखते हैं कि इसके सुधार के लिए आए, नगर निगम, विधायक या सांसद? हम तो तीनों लोगों से उपेक्षा रखते हैं, चाहे जो भी हो, हमको सही होने से मतलब है। सांसद भी आरा के ही हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए, और विधायक भी आरा के ही हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। एक बार भी कभी भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात को, और इस बात के लिए लगातार हम अपने जो है वार्ड पार्षद जो कांतू जी हैं उनको भी कई बार बोले हैं कि इस पर कुछ ध्यान दिया जाए। बिजली कर्मचारियों से भी बोला गया है, उसके लिए भी उस पर भी कोई ध्यान नहीं है। नाम आपका? सोनू जी। R9 भारत के लिए सुशील सिंह की रिपोर्ट, आरा, भोजपुर से। अंतर्राष्ट्रीय संस्था हिंदी साहित्य भारती की बिहार प्रांत इकाई तथा दरभंगा जिला इकाई के संयुक्त तत्वाधान में 11 जुलाई 2021 को मिथिला विश्वविद्यालय के नवनिर्मित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के सभागार में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन कर संस्था के उद्देश्यों, विविध आयामों, कार्यक्रमों एवं संगठनात्मक स्वरूपों आदि की विस्तार से जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में संस्था के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश प्रसाद साह, प्रांतीय महामंत्री अजीत कुमार सिंह, प्रांतीय संगठन मंत्री डॉ. सतीश चंद्र भगत, मार्गदर्शन मंडल के सदस्य प्रोफेसर प्रभाकर पाठक, दरभंगा जिला अध्यक्ष डॉ. R.N. चौरसिया, प्रांतीय मीडिया प्रभारी डॉ. संतोष कुमार, कार्यालय सचिव अमिताभ कुमार सिन्हा, हरी सहनी, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. प्रतिभा स्मृति व डॉ. ऋतु प्रज्ञा, अभिषेक कुमार सहित संस्था के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। संस्था के बिहार इकाई के अध्यक्ष डॉ. दिनेश प्रसाद ने बताया कि हिंदी साहित्य भारती का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय है, जो भारत के गौरवशाली साहित्य एवं सांस्कृतिक चेतना को विश्व पटल पर प्रतिष्ठा दिलाने, हिंदी को राष्ट्रभाषा का संवैधानिक दर्जा दिलाने तथा साहित्यिक प्रदूषण को दूर कर तकनीकी शब्दावली में संशोधन का कार्य करना है। प्रांतीय महामंत्री डॉ. अजीत कुमार ने कहा कि संस्था भारत के 27 प्रदेशों सहित 35 देशों में सक्रिय है। संस्था का उद्देश्य साहित्यकारों को प्रेरित कर उन्हें सम्मानित करना तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार व वेबिनार, कवि गोष्ठी, साहित्यकार सम्मेलन आदि आयोजित करना है। इसके द्वारा पुस्तक समीक्षा, महापुरुषों की जयंती तथा युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। हिंदी साहित्य भारती के दरभंगा जिला अध्यक्ष डॉ. R.N. चौरसिया ने बताया कि दरभंगा में तीव्र गति से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है तथा शीघ्र ही कार्यकारिणी समिति व मार्गदर्शन मंडल का भी गठन किया जाएगा। संस्था कार्यक्रमों के माध्यम से महान साहित्यकारों के प्रेरक व्यक्तित्व एवं कृतित्व का प्रचार प्रसार करेगा, युवा साहित्यकारों को मंच प्रदान करेगा तथा राष्ट्रहित में साहित्य सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा। हिंदी साहित्य रिपीट सहित अन्य भाषाओं के विद्वानों को प्रतिष्ठा दिलाने तथा समाज उपयोगी साहित्य को सामने लाना हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। डॉ. चौरसिया ने कहा कि 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद जयंती, गोस्वामी तुलसीदास जयंती तथा आगामी हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर को विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जबकि 14 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच हिंदी माह के रूप में मनाते हुए विभिन्न विषयों पर रोचक व ज्ञानवर्धक व्याख्यान, वेबिनार और विचार गोष्ठियों का आयोजन विशेषज्ञों के माध्यम से कराया जाएगा। वहीं विद्यालय व महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा, जिनमें सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। गणेश महामंत्री, हिंदी साहित्य भारती। हिंदी साहित्य भारती एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और जिसका उद्देश्य है मूल रूप से हिंदी भाषा को संवैधानिक राष्ट्रभाषा, संवैधानिक दर्जा राष्ट्रभाषा का मिले हमारे भारत में। दूसरा, हिंदी भाषा का विस्तार और विकास के लिए जितने भी आयाम है सभी आयामों को करना, जैसे कवि सम्मेलन आयोजित करना, साहित्यकारों को एक मंच पर विभिन्न दर्शन पर विमर्श करने के लिए उपस्थित करवाना और गरीब साहित्यकारों के अच्छे साहित्यों को प्रकाशित करना, अंधकार में जो साहित्यकार छुपे हुए हैं उन्हें प्रकाश में लाना। सामान्यतः से एक सेंटेंस में हम इतना कह सकते हैं कि हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकार एवं विस्तार तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा को संवैधानिक अधिकार दिलाने हेतु सभी प्रकार के प्रयत्नों को करना इस संस्था का उद्देश्य है। और अपने एक साल के कार्यावधि में ये लगभग 35 देशों में और बिहार के अधिकांश प्रदेशों में अपने कार्यकारिणी का गठन कर लिया है, सभी जिलों में कर लिया है। और आज 11 जुलाई को संपूर्ण विश्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है ताकि हिंदी का सम्यक प्रचार प्रसार संभव हो सके। कहाँ का सभा हो रही है? हेलो, मैथिली सभा कहाँ कहाँ हो रही है? मैथिली सभा, हिंदी सभा जो है ये प्रेस वार्ता का आयोजन जहाँ जहाँ हमारे कार्यकारिणी का गठन हो गया उसकी पूरी लिस्ट आप ले लीजिएगा, तो बड़ी लंबी लिस्ट है और लगभग 35 देशों में और बिहार के अधिकांश प्रदेशों में आज अभी 11 बजे से
प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस संस्था के संगठनात्मक रचनात्मक और क्रियात्मक कार्यों के प्रचार और प्रसार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री हिंदी साहित्य वाले। R9 भारत के लिए सुमित झा की रिपोर्ट दरभंगा से। मधेपुरा विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर रविवार को प्रांगण रंगमंच द्वारा संगीत की ऑनलाइन प्रस्तुति की गई। प्रांगण रंगमंच के फेसबुक पेज से मधेपुरा सुपरस्टार ऑनलाइन बिगेस्ट टैलेंट शो सिंगिंग एंड डांसिंग कार्यक्रम में मधेपुरा की बेटी शिवाली ने अपनी प्रतिभा को दिखाया। शिवाली ने गणेश वंदना गाई, गणपति से कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो की प्रस्तुति के बाद हिंदी मैथिली लोकगीत गजल फिल्मी गीतों की बेहतरीन प्रस्तुति ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। शिवाली के साथ नाल पर विनोद केसरी और तबला पर अरविंद कुमार ने संगत किया। शिवाली ने समा जलाए रखना, जब दीप जले रखना गजल गाकर ऑनलाइन दर्शकों की वाहवाही ली। इसके बाद उन्होंने है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं पनिया के जहाज पर पलटनिया वहनी अहे होए की प्रस्तुति की। दर्शकों की मांग पर उन्होंने पूर्वी लोकगीत छाड़ी के विदेशवा गैली सुधैये नई ले ले निर्मोही सैया ये कागज की कश्ती वो बारिश का पानी ने लोगों की वाहवाही लूटी। बड़ी संख्या में ऑनलाइन श्रोता के डिमांड के अनुरूप शिवाली की प्रस्तुति ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। श्रोताओं की बड़ी रिपीट बढ़ती मांग के कारण करीब 2 घंटे तक समा बांधे रही। लोगों ने कमेंट का माध्यम से शिवाली की आवाज और गायकी की सराहना की। लोगों ने प्रांगण रंगमंच के ऑनलाइन संगीत कार्यक्रम की तारीफ करते रहे। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार परमार ने कहा कि पिछले रविवार को लोकप्रिय गायिका आरती आनंद की प्रस्तुति ने खूब वाहवाही लूटी थी। उन्होंने कहा कि कलाकारों की लगातार बढ़ रही मांग को देखते हुए संस्था इसका दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। सचिव अमित आनंद शशिभूषण ने कहा कि आज के कोरोना संक्रमण में संगीत लोगों में नई ऊर्जा का संचार करता है। लोग मानसिक रूप से तरोताजा हो रहे हैं। संस्थापक सदस्य दिलखुश ने लाइव कार्यक्रम की तकनीकी सहायता सफलतापूर्वक किया। उन्होंने कहा कि आगामी रविवार को अर्जुन रॉकी और सोनी यदुवंशी का गायन निर्धारित है। कार्यक्रम को सफल बनाने में अभिषेक सोनी, अक्षय कुमार, बबलू कुमार, सुभाष, शशिभूषण, आशीष सत्यार्थी, नीरज निर्जल, अभिषेक आचार्य, चंदन कुमार, विक्की विनायक, शिवानी अग्रवाल, शिवांगी गुप्ता व अन्य ने सक्रिय भूमिका निभाई। आजाद की रिपोर्ट मधेपुरा से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।